देखिए 1947 में जब देश आजाद हुआ था, हमारे पूर्वज और हमारे गार्जियन लोग पाकिस्तान से लूटे पुटे यहाँ हिंदुस्तान में आए थे। हिंदुस्तान में उनको सिख शरणार्थियों के रूप में वो बिहार आए तो फुलवाड़ी कैंप में उनको जगह मिली। 1951-52 में ये चिटकोरा स्थित जगह जो है 4 एकड़ 46 डिसमिल जमीन, जो कि गवर्नमेंट के खाते में 4-47 ही है लेकिन केंद्र सरकार के खाते में 4-86 है, कहने में 4-47 को ही मान लिया जाए, हम लोग को जमीन, हम लोग के लिए जमीन अर्जित की गई थी, जिसमें 139 क्वार्टर बन के हम लोग को मिले। 139 परिवारों को 139 क्वार्टर मिले, लगभग 2.25 एकड़ जमीन, बाकी 2 एकड़ जमीन, 2.25 एकड़ जमीन जो बची हुई थी उस पर गवर्नमेंट का यही था कि इसमें स्कूल, पार्क और दुकानें बन के मिलेंगी ताकि लोगों की रोजी रोटी चले, स्कूल बच्चे पढ़ सकें, खेल का मैदान हो तो वहां पर लोग बच्चे खेल सकें, इसके लिए जगह रखी गई थी, जो कि आज अशरफ शाह से यहां से जमीन अर्जित की गई थी, आज भी उनके कब्जे में वो बाकी जमीन उन्हीं के कब्जे में, और उसका वो किराया भी खाते हैं, लोगों से पैसा भी वसूली करते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार पर जूं नहीं रेंगती है, वो पता नहीं भू माफियाओं के साथ है, और हम लोग की आबादी कम होने के कारण या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारा वोट बैंक नहीं है इसलिए सरकारें हमारी सुनती नहीं है। हालांकि माननीय नीतीश कुमार जी ने 350 साल मना के हमारे सिख भाइयों पर बहुत बड़ा उनका एहसान है, उसके लिए हम लोग ऋणी है, लेकिन फिर भी हमारा ये मामला 1947 से चला आ रहा है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी 4 एकड़ 47 डिसमिल जमीन हमारे दी जाए, हमको वहां पर अभी वो कब्रिस्तान का निर्माण करना चाह रहे हैं किसी बिहार सरकार के बड़े अफसर के दबाव में, और उनके दबाव के कारण वहां पर कब्रिस्तान का व्यवस्थित निर्माण किया जा रहा है। हम चाहते कि नहीं, पहले हमारी जमीन भी 4 एकड़ 47 डिसमिल कौन सी है उसको क्लियर कर दिया जाए, उसके बाद जिसको जो बनाना है बनाए।